जो आप देख रहे हैं मैथ का जादुई चमत्कार, ये असल में जादुई है, ठीक है, असल में क्या है, जादुई है। और ऐसा ट्रिक लाए हैं धमाकेदार कि आप ले देख करके दंग रह जाओगे। आइए देखते हैं कैंसिल लाइन। सी नाइन का मतलब क्या होता है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। सी नाइन का मतलब क्या होता है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। सी नाइन का मतलब होता है, सी का मतलब होता है कैंसिल और नाइन है, ठीक है, नाइन का मतलब होता है जीरो। नाइन जहां भी आएगा उसको हम जीरो कर देंगे। नाइन का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ जाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना समय लीजिएगा जरा तुम बता दीजिए, कितना समय लीजिएगा, 5 मिनट या 10 मिनट, 5 या 10 मिनट। देखिए ये 5 मिनट, मिनट को हटा दीजिए, 5 सेकंड ला दीजिए, ये 5 सेकंड में चुटकी में हल होगा। देखिए कैसे होता है। सी नाइन का मतलब हम समझा चुके हैं कि सी नाइन का मतलब होता है अगर कोई संख्या है, अगर 3-4 डिजिट का संख्या है उसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर नाइन आता है तो उसको कैंसिल करेंगे। देखिए कैसे होता है, देखिए इसको जोड़ते हैं, 2 और 4, 2 प्लस 4 कितना होगा, अब +7, 4 2 6, 6 7, 7 4 11, 11 2 कितना 13। तो अगर 13 को जोड़े 2 डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट नहीं लिखेंगे, हमेशा 1 डिजिट लिखेंगे, 1 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 1 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, एंड 3 1 और 1 को जोड़ेंगे, पॉइंट का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, -7.1 दिया है, 7.1 को अगर जोड़े तो 8 आएगा, इंटू 5.4 दिया है, 5.4 को जोड़े, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 का मतलब होता है 0, यहाँ बता चुके हैं 9 का मतलब क्या होता है, 0, बराबर x प्लस इसको अगर जोड़े तो 3 1 4, 4 2 6, 4 2 6 5, 11 2 आंसर आएगा। उसके बाद में देखिए अगर हम इसको गुना करें तो 14 16 हो जाएगा, अब -8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए 16 है, 16 को अगर जोड़े 2 डिजिट है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए 2 डिजिट है, 6 और 1 को जोड़े तो 7 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 बराबर x। अब देखिए इसलिए x का मान क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए ऑप्शन, ऑप्शन क्या क्या दिया है इसका, ऑप्शन देख लीजिएगा, स्टॉप कर देखते हैं, चलिए देखिए अब ऑप्शन में भी देखेंगे, नीचे पर्दा नहीं आ रहा है, अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे सबको जोड़ के क्या यहाँ 5 आ रहा है, अगर 5 आएगा तो आंसर वही होगा जो जिसका मान 5 आ जाएगा। देखिए 6 4 10 हो गया, 10 8 कितना होता है, 18 होता है, 18 को अगर जोड़े 2 डिजिट है, 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, अगर 9 को क्या लिखेंगे, 0, इसका मतलब ये आंसर क्या है इसका, 0। अब इसको चेक करते हैं, 9 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 8 14 14 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर देखिए आगे 7 और 2 इसको काट दीजिए, 8 आएगा। अब देखिए इसमें आंसर किसका आ रहा है, यहाँ देखिए 5 आ रहा है, मतलब यही आंसर होगा, आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा 6.98। अगले क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये कितना सेकंड में सॉल्व होगा, मात्र 5 सेकंड में, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इसका एक्स का मान निकालने के लिए, देखिए कैसे निकालेंगे, कैंसिल लाइन से ही इसका भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसको अगर ऐड करें 5 होगा, 5 2 7 हो गया, चलिए 7 लिख देते हैं नीचे, गुना का चिन्ह है, 3 2 5 हो गया, इसको भी जोड़ दो, 8 3 11 हो जाएगा, 11 को हम लिखेंगे क्या, 11 को 2 लिखेंगे, बराबर x प्लस 6 3 9, इसको काट ही दो, 2 आएगा। अब देखो इसको गुना करेंगे, 7 5 35 35 2 70 होता है,
तो 70 x प्लस 2, 70 को अगर ऐड करें तो 7 आएगा बराबर x प्लस 2 आएगा, 2 को इधर लाएंगे 7 माइनस 2 बराबर x आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, x बराबर 5 आएगा। अब देखते हैं इसमें 5 किसका आंसर आ रहा है, देखिए पहला क्या आ रहा है, क्या देख लेते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, इसको काटी तो कितना आया 4 तो 6 आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 6 3 9, इसको काट दो 4 1 5, 7 2 9, इसको भी काट दो 4 और 1 बच गया, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी, बी पर टिक लगा देंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, कितना से भी कितना बड़ा संख्या आ जाए, कितना से भी कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, देख लीजिए कैसे, 4 2 6 6 8 कितना हो गया 14, 14 को क्या लिखेंगे, 14 को 5 लिखेंगे, 4 1 जोड़ देंगे इनटू 1 हो गया, इधर देख लीजिए 1 और 2 3, 4 3 7, 7 गुने 7 देखिए 5 गुने रूट एक्स इक्वल सत्य 49, 49 को ये 9 को काट दीजिए, अब रूट एक्स बराबर हो जाएगा 4 बटा 5, ये 5 आ जाएगा इधर, अब अगर रूट को हटाते हैं तो पता ही होगा कि रूट को हटाते हैं तो इधर स्क्वायर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 16 बटा 25। अब देखिए 16 को अगर हम जोड़े तो 16 6 1 कितना हो जाएगा 7 और 5 2 7, इसका मतलब 1 आ रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में किसका मान 1 आएगा ऐड करके, चलिए देखते हैं 1 और 3 4, 5 4 9, 9 का मतलब 0 छोड़ दीजिए, 1 और 3 4, 4 7 4 11 और 11 5 16, 16 का मतलब 7। फिर देखिए 1 और 1 2, 5 2 7, 7 6 7 6 13, 13 का मतलब 4 हो गया, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 का मतलब हो गया 1 और 0 को जोड़े तो 1 आएगा, मतलब क्या आंसर आया डी आया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना चुटकियों में सॉल्व हो रहा है कितना जल्दी जल्दी, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कितना देर लग गया देख लीजिए, चलिए हम देखते हैं 1 2 3 4 3 7 7 लिख दीजिए इनटू 3 2 5 5 लिख दिए, अब देखिए 7 2 9, 9 का मतलब बताए है ना क्या होता है 0 होता है, चलिए 0, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, अब देखिए इसमें किसको ऐड करें तो 0 आ जाए, देख लेते हैं किसको ऐड करते हैं, तो 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 6 36, 36 का मतलब क्या होगा 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया और 1 2 3 हो गया, 3 6 3 9 हो गया, इसको काट ही दो, फिर 6 2 8 हो गया, इसका मतलब यहाँ 8 आ रहा है, 8 2 10, 10 का मतलब 1 और 5, 6 6 6 12, 12 का मतलब जोड़ोगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 12 3 हो जाएगा और इसको काट ही दो, 6 3 9, फिर ये 0 आ गया, मतलब आंसर क्या है बी। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 84 100 का 38% कितना होगा अगर x प्लस 320 जोड़ा जाए तो, देख लीजिए यहाँ परसेंटेज का कैंसिल लाइन में कोई महत्व नहीं है, परसेंटेज हो या पॉइंट हो उसका कोई महत्व नहीं, इसको ऐड करेंगे दो डिजिट हमेशा अगर रहेगा, दो या तीन डिजिट कितना भी डिजिट रहे उसको ऐड करके एक डिजिट बनाएंगे, 8 और 3 कितना हुआ 11, 11 का मतलब होता है 2, ऑफ का मतलब होता है गुना, 8 4 12, 12 का मतलब होता है 3, 2 1 3, अब बराबर देखिए 1 है प्लस 3 तो जोड़ दीजिए 5 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना 6 बराबर x प्लस 5, इसको इधर लाएंगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा बराबर x,
छ में से पांच जाएगा, एक आएगा, x बराबर कितना है यहाँ एक। अब देखिए इसमें से कौन सा बन रहा है, एक में से छ दो आठ, आठ आठ सोलह, सोलह और आठ चौबीस, चौबीस का मतलब हो गया छः, सात दो नौ इसका काट ही दो, पाँच छः ग्यारह, ग्यारह का मतलब होता है दो, चार दो सात, चार दो छः और आठ, आठ छः चौदह, चौदह चार अठारह, अठारह का मतलब होता है नौ, इसका मतलब जीरो आया। अब देखिए इसमें से एक तो किसी का भी मान नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर डी होगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको कितना समय लेंगे आप जल्द बता दीजिए। अब देखिए देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऑफ का मतलब बता दिए, गुना होता है, परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं होता है, परसेंटेज मिला जाओ। ऐसे सिंपल में निकालोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ऐसे देख लेते हैं। पाँच और पाँच को ऐड किए तो दस हो गया, दस का मतलब होगा एक और जीरो को जोड़ेंगे तो एक आएगा, ऑफ का मतलब गुना। देखिए यहाँ आठ और चार को जोड़े, आठ चार बारह होता है, और बारह को जोड़े तो तीन होता है, माइनस यहाँ दो है, दो लिखेंगे, दो में जीरो जीरो गुना करेंगे जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। एक्स ऑफ मतलब गुणना, परसेंटेज हटा दो छ। अब देखो तीन में एक से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन माइनस दो बराबर एक्स गुने छ, बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे, आपके दिमाग में किसी भी तरह घुस जाना चाहिए। तीन में से दो जाएगा, एक आएगा और एक्स गुने छ। अब देखिए x के गुना में छ है, ये कहाँ जाएगा, एक के बट्टा में, इसलिए x बराबर हो जाएगा एक बट्टा छ। अब इसको देखेंगे कि एक बट्टा छ किसका आंसर आ रहा है, तो तोड़ के देखेंगे, नौ तो पहले काट ही दो, सात दो नौ काट दो, एक बट्टा तीन आ रहा है, एक और दो, एक और तीन चार आएगा, चार एक पाँच, यानी कि पाँच बट्टा तीन आ रहा है। यहाँ देखिए दो एक तीन, सात दो नौ काट दीजिए, तीन एक चार बटा तीन आ रहा है, इसमें तो कोई आंसर नहीं है, मतलब नॉट एफ डीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, देख लेंगे। पहले दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें दो से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दो से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, अगर आंसर आ रहा है तो मतलब जो आंसर आएगा वही आंसर सही होगा। दो में एक से मल्टीप्लाई करेंगे दो, तीन में दो से मल्टीप्लाई करेंगे छः, मतलब एक बटा छः है, यहाँ दो बटा छः है, मतलब ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर इसको मल्टीप्लाई जोड़ें, तीन एक चार, चार एक पाँच, पाँच बटा तीन, अगर इसमें दो से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो क्या आएगा, पाँच दूना दस और बटा तीन दूना छ, एक और जीरो को जोड़ेंगे तो एक और बटा में क्या है छ, मतलब यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है खतरनाक लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये C9 के द्वारा बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा, देख लीजिए कैसे सोल्व होता है। इसको ऐड करेंगे, अंदर वाला को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तीन दो पाँच, पाँच एक छः का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का तीन है, प्लस का तीन नहीं है, आठ चार बारह और बारह छः अठारह, अठारह का मतलब नौ, नौ का स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर, क्या जोड़ देते हैं, आठ चार बारह और प्लस छः अठारह, अठारह का मतलब अगर अठारह को ऐड करें तो वन प्लस एट मतलब नाइन, नाइन मतलब जीरो, इसलिए जीरो। माइनस ये तो नौ काट ही दीजिए, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह का मतलब होता है एक, सॉरी दो। फिर देखिए एक्स प्लस इसको ऐड करिए कितना हो रहा है, वन वन टू फोर टू सिक्स, सिक्स सेवन थर्टीन, थर्टीन कितना होगा थर्टीन फोर और प्लस सिक्स, ये तो नाइन काट ही दीजिए, तो तीन एक चार हो गया, चार छः चार दस हो गया, दस का मतलब हो गया ये। फिर देखिए अब क्या होता है, छः का स्क्वायर छत्तीस होता है, छत्तीस का मतलब होता है छत्तीस और प्लस जीरो माइनस दो इक्वल टू एक्स प्लस वन।
फिर देखिए 36 का मतलब होता है अगर 36 को ऐड करें तो 0 माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर मिस्टेक हो गया है देख लीजिए, यहाँ स्क्वायर छोड़ दिए थे हम, फिर से यहाँ हो जाएगा 2 अंदर आ रहा है तो 2 का स्क्वायर भी तो करेंगे गलत। देखिए यहाँ फिर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, आ प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब 36 का मतलब क्या, 0 प्लस 0 माइनस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये माइनस अगर 0 का हटा दे तो माइनस 4 और ये प्लस 1 है, अगर हम इसको इधर लाएं तो माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू एक्स। माइनस 4 और माइनस 1 कितना होगा, माइनस 5 बराबर एक्स। अब तो माइनस वाला थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, देखिए क्या होता है अगर माइनस में कभी भी आंसर आए तो आप क्या कीजिएगा, 9 में से घटा दीजिएगा, 9 में से घटा दीजिएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट करना होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया 4 आ गया इसका आंसर। अब देखिए इसमें ऐड करके देखेंगे कि किसका 4 आ रहा है आंसर, 3 एक 4 4 6 10 10 का मतलब 1, 6 3 9 इसको काट ही दीजिए, 8 4 12 और 1 13 13 का मतलब 4, यही आंसर है आपका। हेलो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें और देखते जाइए आगे आगे क्या होता है, ये चमत्कारी बाबा क्या करते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही मेरा दिल खुश करते रहें, लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और ऐसे ही धमाकेदार आपके लिए मैथ का वीडियोज़ लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।